तो देखो भाई, यहाँ पे दोस्तों मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया हूँ। और दोस्तों ऐड करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे यूपीआई पिन सेट नहीं हो पा रहा। आप लोग यहाँ पे लैपटॉप के साथ देखिए, यहाँ पे अनेबल टू सेट यूपीआई पिन इस प्रकार से लिखा हुआ आ जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड से भी सेट कर रहा हूँ, अपने डेबिट कार्ड से भी सेट कर रहा हूँ, तब भी दोस्तों यहाँ पे दोनों तरीके से सेट करने के बाद भी यहाँ पे मेरा सेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अनेबल टू सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि दोस्तों जब आप लोग अपना यूपीआई पिन सेट कर लेते हैं तभी दोस्तों आप लोग किसी के पास पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं और दोस्तों आप लोग अपने फोन पे को कंप्लीट चला पाते हैं, कंप्लीट उसका यूज कर पाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच कर लेना है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, बस मैं जैसे कहूंगा आपको ऐसे करना है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा इसका मैं बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे तरीके लेकर आ चुका हूँ। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको यहाँ पे देखिए ऐसा प्रॉब्लम जब आपको आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे पूरा बैक आना है। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फोन पे के होम पेज पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे कहूँगा आपको वैसे करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पर आपका बैंक शो कर देगा। आप सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली आपको आपका जो बैंक रहेगा, जो बैंक आप लोग ऐड किए रहेंगे वही बैंक यहाँ पे शो करेगा। सिंपली आपको अपने बैंक पर क्लिक करना है। बैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक अपने यहाँ पे दिखेगा अनलिंक बैंक अकाउंट। आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अनलिंक पर क्लिक कर देना। इतना खाने दोस्तों आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे अनलिंक सक्सेसफुल दिखा देगा। आपको बैंक यहाँ पे अनलिंक हो जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको इसे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों पूरा आपको बैक आना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक काम करना होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पे खोजना कि आपके मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन कहाँ है। यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे अपने फोन पे एप्लीकेशन पे 2 या 3 सेकंड तक टैप करना है। उसके बाद दोस्तों सामने यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देगा। आपको इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक करना है। इतना करने से क्या होगा, इतना करने से आपका फोन पे एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों डिलीट इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो RBI रजिस्टर्ड फोन पे आया दोस्तों, यहाँ पे जो न्यू वर्जन का फोन पे आया दोस्तों, आपको न्यू वर्जन का फोन पे आपको डाउनलोड करना है। जो फोन पे आप लोग डाउनलोड किए थे उसमें कुछ टेक्निकल इशू या टेक्निकल एरर प्रॉब्लम आ गया था, तभी दोस्तों आपको बार बार वैसा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी RBI का न्यू वाला वर्जन जो है दोस्तों, यहाँ पे न्यू वर्जन का जो फोन पे आया दोस्तों, आपको न्यू वर्जन का फोन पे आपको डाउनलोड करना। तो यहाँ पे न्यू वर्जन वाला फोन पे आपको कैसे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल भी नहीं डाउनलोड करना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको न्यू वर्जन का फोन पे कैसे मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपको यहीं पे RBI का न्यू वर्जन मिल जाएगा। अभी जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी का बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा होगा नहीं, यहाँ पे अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ फोन पे में अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो फोन पे में अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम लिखा रहेगा आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सामने यहाँ पे RBI रजिस्टर्ड फोन पे मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे RBI के न्यू वर्जन के पास पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको यहाँ से अपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड रहा है। इसी प्रकार से आपका फोन पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड होगा। तो आपको यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पर देखने को भी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल अलग वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे 100% सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन दिखा देगा। आपको जैसे ओपन का ऑप्शन दिखाएगा आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में इस प्रकार से फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा और दोस्तों आपको OTP इसमें ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए OTP आके मेरा वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने यहाँ पे एक अलग परमिशन पूछेगा और यहाँ पे आपको इसको भी अलाउ करना है। और डायरेक्टली आपका बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे बैंक नहीं ऐड करना। आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इस प्रकार से अपने फोन पे एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। अब दोस्तों लॉग इन होने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको यहाँ पे
ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बैंक ऐड करना है। अगर आपको बैंक यहाँ पर मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आप लोग हमें सर्च भी कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने बैंक पर क्लिक करना, आपका बैंक ऐड हो गया, जिसकी मेरा ऐड हो रहा है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपका बैंक भी ऐड हो जाएगा, आप लोग यहाँ अप्लाई प्रूफ के साथ देख ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक जो है ऐड हो गया, आपको भी ऐड हो जाएगा। और दोस्तों सामने यहाँ पे नीचे दिखा गया, यहाँ पे सेट यूपीआई, आपको इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सामने यहाँ पे लिखेगा डेबिट एटीएम कार्ड डिटेल्स, और यहाँ पे लास्ट क्रेडिट आउट कार्ड नंबर, और यहाँ पे दोस्तों नीचे यहाँ पे लिख रहा है डोंट हैव ए डेबिट एटीएम कार्ड। दोस्तों अगर आप में यहाँ पे लिख रहा है यूजिंग आधार नंबर, तो दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड से भी अपना यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पे हमारे में यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आप में आया होगा तो यहाँ पे यूजिंग आधार नंबर लिखेगा, आप लोग उस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड का शुरुआत का अच्छा नंबर डाल के अपने यूपीआई पिन आप लोग सेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का नंबर डालना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डालना है, चलिए मैं डाल देता हूँ, आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का नंबर डाल के एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ सामने यहाँ पे एक अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आपको यहाँ पे सेंड किया जाएगा, और आपको ओटीपी इसमें ऑटोमेटिक आके वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा ओटीपी आके वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे नीचे टिक वाले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना, सेट सेव डेट यूपीआई, आपको दोस्तों यहाँ पे अपने 6 अंक का इस प्रकार से अपना यूपीआई पिन आपको सेट करना है। यहाँ पे 6 अंक अपना यूपीआई पिन आपको सेट करना है। सेट करने के बाद टिक वाले टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से किसी के पास पैसे भी ट्रांसफर कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपने बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अपना यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे आप लोग अपने बैंक का पैसा भी चेक कर पाएंगे कि आपके बैंक में कितना पैसा है। तो आप लोग इसी प्रकार से बहुत आसानी से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।